डॉन सिनेमा एक ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिजनी स्टार है, वैसे ही डॉन सिनेमा का हिंदुस्तान का अपना पहला ऐप था, जिसको 100% डिजी ऐप कह सकते हैं। और जहाँ पे एक ऐप फॉरेन से जब आए थे, ओ टी टी का मतलब समझा जाता था इरोटिक्स, बोल्ट, गालियाँ, तो हमने एक सपना देखा था कि नहीं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमने अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने अगर आपने जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं हिंदुस्तान की, तो उसमें आपको 10 नाम अगर गिनने बोलेंगे तो 10 नाम में एक भी इरोटिक फिल्म, बोल्ड फिल्म का नाम नहीं आता। तो हमें उसको ओटीटी पे लाना था, तो ओटीटी हमने शुरू की डॉन सिनेमा 2019 में, और सक्सेसफुली आज तक हमने रेटिंग में हमने यहाँ पे लिखा था 4.4, लेकिन आज 4.5 हो गई। कल हमें आपको सबसे खास बात क्या नजर आती है जो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं है? थोड़ा तेज बोल रहा है मैडम जी। तो जो मैंने लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मिस किया वो यही सब है। इतने टाइम में मीडिया को इंटरेक्ट नहीं कर पाई, आप लोगों से मिल नहीं पाई, फेस नहीं कर पाई। दिल्ली मेरा इतना ऑफन आना जाना होता था, बट वो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट ऑपरेट कर रहा है, एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम। उसमें इनका इतना बड़ा हाथ है। लोगों का क्या होता है, वो अपनी टीम रखते हैं, अपने इतने असिस्टेंट रखते हैं, सब काम वो लोग करते हैं, बट ये अपने मैंने देखा है खुद अपने सारे काम, छोटे से छोटे काम पे खुद ध्यान देते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी किसी चीज़ को ऊपर पहुँचाना है और उसको सक्सेसफुल करना है कम से कम टाइम में। उन्हें अच्छी तरह से पता है और ये पूरी पूरी उसमें अपनी पूरी मेहनत जोक देते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम एंड आपने कौन सी मूवी देखी डॉन ऐप में? अभी आपने कोई मूवी कोई देखी अगर तो कौन सी मूवी डॉन ऐप में? नहीं, मैंने अभी फिलहाल कोई मूवी नहीं देखी है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इन्होंने जो मूवी रिलीज करी है मैं वही मूवी देखना चाहूंगी सबसे पहले। और अब क्या बोल रहे थे, आपकी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो परसों को मेरा गाना आ रहा है, कैरम की रानी आ रहा है, देखिएगा मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आप सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से डॉन सिनेमा तो इसको किस तरह से देखते हैं और अपने करियर को किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत पिकी हूँ जब वेब सीरीज देखने की बात आती है, तो मैं बहुत कम देखती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो वैसे 4-5 रिजेक्ट करने के बाद मैं किसी को बिंज वॉच कर पाती हूँ। एंड डॉन सिनेमा से पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और एंड आई रियली होप एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इनकी इतनी सारी प्लानिंग्स हैं, वो धीरे धीरे रिवील करेंगे। ऑल प्लानिंग्स ऑल रेडी ऑल सेट, बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी होती थी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी आई पर्सनली थिंक अभी तक के मेरा ऐसा कुछ हो नहीं है वेब सीरीज करने का, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है फिलहाल। हम इनके पीछे पड़े हैं बॉलीवुड के लिए 70 mm।